अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खोल के देख लो जी मुंह। देख लो। इल्ला मियां, मैंने अपने बाबा की मर्ती का ब्याह करा, बस माल बढ़िया चाह रहा हूँ जो। बहुत तारीफ आती है, मजा आ रहा है, मजा बहुत बहुत बहुत। आनी कुनी तो नहीं है? फिर मजा आएगा। एक मिनट रुक। चल सुहागरात मनाओ। सुनो। अरे बात करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी, पूरी रात फिर बात ही करोगे। लेकिन अरे बात तो सुनो मेरी। सब अपनी पत्नी को सुहागरात वाले दिन गिफ्ट देते हैं, आप मेरे लिए क्या लाए? हम तो जी गरीब आदमी, हम क्या देंगे? चलो मांग लो जो भी चारा बताओ, मेहनत मजदूरी करेंगे देंगे, तुझे बता क्या चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं मांग रही जो तुम्हें खरीद के देनी पड़े। और मैं सिर्फ पढ़ना चाह रही। तो पढ़ी लिखी नहीं है, पापा तो कह रहा था वो लोंडी पढ़ी लिखी। अरे मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन मैं एसडीएम बनना चाह रही। अरे क्या है एसडीएम बनो, मैं एक ही योजना में तो 5-7 बच्चों की माँ बना दूंगा। अरे ये भी तो मैं अपने बच्चों के लिए ही करेंगे। सोच के देखो, आप अपनी कार से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आओगे? ए बड़ी कार, टाइम नहीं पता तुझे क्या हो गया? सॉरी सर, इन्होंने तैयार होने में टाइम लगा दिया। टाइम सिर तैयार हो जाएगा, तारी अम्मी एसडीएम हो तमर डीएम बनना। बैठो, चल छोड़ के आना। अरे वो आता हुआ मेरे लिए, वो ले आइए। आपके पास पैसा ही पैसा होगा। चल ठीक है, फिर मैं तुझे एसडीएम बना दूंगा। चल ही बनाऊंगा स्वागत है। अरे अरे मेरा सपना वही तो है कि मैं एसडीएम बनने के बाद ही स्वागत बनूंगा। सुना सुना कहीं नहीं, चल मेरी टंगा भी करे भाई। अभी मुसीबत ही और जब एटीएम बन जाएगी मैं फिर तू आकर आज बना। मां मजाक तो के लिए भाई करना पड़े भाई, यूं ही थोड़ा ही बाप बना जा। दबा देख थकली लेते एक देर में सोच ली। हाँ हेलो तो सारा कहां था रेप करता, जितने भी लोगों ने देखना थे, तुझे कैसी लगी? बाबा बहुत तो बहुत तगड़ी वो, मुझे टोप लगी जिम में ना गुंगा टा, मतलब बहुत होगा देख तो, इतने जबरदस्त लग रही थी। इतनी भी सोनी थी तूने देखी नहीं? फिर दिखा मैं तो सारी उम्र देखता आ रहा हूँ, उसकी चाची से मिलन जा रहा था मैं। चाची था? हाँ। तेरा उसके साथ होगा? दोनों माता बीड़ी पिया थी, हम भी बीड़ी पिया थे, साथ बैठ सकते थे, लगे अच्छा लगा था, बस और क्या। अच्छा चल छोड़ बाबा, बहू मुझे पसंद है सब कुछ बढ़िया, लेकिन वो एक बात कह रही है, एक जिद कर रही है। क्या? वो कह रही है कि मैं एसडीएम बनना चाहूँ, मुझे पढ़ा दो। अपने घर पढ़काते एसडीएम बनकाती? अरे बाबा मैंने तो उसे कह दिया, मैं पढ़ ले एसडीएम बन जाएगी, फिर देख तो हमारी गाँव में क्या ठाट होगी। सर ठाट ठूट को छोड़, उसे रोटी पकवाने के लिए लाए, काम के लिए लाए, घास गिरेगी रोटी पकाओगी घर से बाहर लगी। अरे सारा काम मैं करूँगा, मैं सब घास भी गिरूंगा रोटी मैं पकाऊंगा, सारा काम करूँगा। अरे औरत जात ऐसी हो भाई, बदल जाएगी वो पढ़ लिख को। अरे वो नहीं ऐसी आई, मैंने रात रात में देख ली, वो तो बहुत बढ़िया। हाँ भाली तो बढ़िया, जी पढ़ लिख लगी बाद में बदल जाएगी, बाद में बैठा रहनी। अरे बाबा तू उल्टी बात तो सोच रहा, तू यूँ नहीं सोच रहा, तेरे लुंडे सब यूँ कहोगे एसडीएम का लोग बहुत बड़ी बात है, और तेरी भी इज्जत हो जाए गाँव में, क्यों कोई बिठाता नहीं अपने घर में। पढ़ा वो पढ़ा ले तेरी मर्जी, मुझे लग रहा तो पढ़ा कर हटा था, मैं नहीं रुका अभी देने का।
रुपया ना दीजिए, हम अपनी मेहनत तक करेंगे। हाँ कर लो फिर और क्या। हाँ मेरे तो क्यों पूछना है, बनाओगे एसडीएम के लोग सही है। आसिफ हाँ जी था ये सब उठाने, मैं तो सुबह चले गए थे। कहाँ चला गया? नू कह रहे थे कुछ काम कुम करने जा रहा। चल ठीक है, वो काम पे भेजू था उस समय। ठीक है ब्याह करते ही मानो, ये वैसा कहाँ हम रास्ता दिया था, आज काम को भाग गया। क्या कर रही है झाड़ू झूड़ू को चोड़ी से दर दीचो? कहाँ गए बेटा आप, आपको अब पूछ रहे थे। अरे बाबा ऊपर की बात तो मना कर रही, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या है यो? यो वो फार्म तेरा एसडीएम का। मेरा फार्म? हाँ मारा क्यों? मैं ये देख रही थी यार कि मैं सपना तो नहीं देख दी खड़ी खड़ी। तेरी बहन राइट टोपा हकीकत है यो। सीधा सुधा मैं कहीं नहीं हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ ले एटीएम बन जा रुपये में सुहागरात मनाऊ। हाँ बाबू जब मैं एटीएम बन जाऊंगी ना तब थाईलैंड में हनीमून मनाएंगे। हाँ बाबा कहाँ गया था? मैं तो बाबा शहर गया हुआ था। अच्छा हाँ वो फार्म लाया बहू के लिए एसडीएम बनामा। अच्छा अच्छा हाँ मैं सोचा काम पर नहीं गए थे, काम पर गया। काम करो मारा मुँह तुम्हारी बहू एसडीएम। अरे एसडीएम बनने में बहुत दिक्कत आओ भाई। कोई दिक्कत नहीं आने लगा कर लो, एक चीज करो थोड़ो बिहार सब के हो इस रोकने मार लो यहाँ तो गले लगो खड़ा हो, कोई तरीका आदि ना हो कोई और देख लो, हमारी भी जरूरत हो तेरी भी। अरे बाबा तू फालतू ना बोल, अगर अपने हाल का अपने आपको ही पता हो, चाहो हमने आज तक इसको हाथ भी ना लगाया हो। बस 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 मुझे ना चलाओ, ये बाल चिपके पड़े थे तुम हाथ ना लगाया हो कहिए। चल ठीक अच्छा थोड़ा कम बोल अगर। हाँ कम बोल लूँगा लेकिन एक घटी शरीर का काट कर ला जाएगा और भैंस भुक के खड़ी तो रो करोगे नहीं तो खाओगे कहाँ तो। ए जे रुडियम साहब। हाँ जी। इसमें थारी पढ़ाई में कितने दिन लग जाएंगे? होने को तो 6 महीने में भी हो सके और ना होने में तो 10 साल भी लग सके। 10 साल? 10 साल बाद क्या करेंगे हम, सुहागरात मनाएंगे, हम तो बुढ़े हो जाएंगे। यू बता 6 महीने में किक्कर होगी। बाबू मुझे पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, मेरे पास बुक्स भी नहीं है, तुमने ला के दी थी तो तूने बताया था मुझे टीएम खराब कर रही मेरा। चलो मैं लिख कर दे दूंगी आपको, तुम कर ले आइयो। कितने क्या होंगे? आ जाएंगे 2-3 हजार रुपए की। कबाड़ी कुबड़ी को तो नहीं मिलने? कबाड़ी पे तो मिला ऐसी बुक। चल ठीक है लिख कर दे दिए, कर लो इंतजाम। ठीक है अगर टाइम नहीं करा क्या रहा मुझे 5 महीने में बन से वो तो 5 महीने पढ़ती रहा कर। हेलो हेलो हाँ जी क्या हाल है जी? बढ़िया भाई तू बता। बस बढ़िया जी, मुझे कुछ पैसे चाह रहे थे जी, 5-6 हजार रुपये। क्यों? अजी वो मैं अपनी बहू का नाम लिखवा, अजी वो एसडीएम बनेगी जी, एसडीएम की पढ़ाई करोगी जी मेरी बहू। हाँ एसडीएम क्या बात है, वो बनेगी प्रधानमंत्री। अजी देख लो लाला जी तुम कर दो ना भाई। है नहीं अजी मैं ब्याज दे दूँ अगर ऐसी कोई बात हुई, मैं ब्याज भी देने को तैयार हूँ। जब है नहीं भाई कहाँ से दूँ। ठीक है रहन दो, तुम ब्याज पे पैसे मत लो, जब तुम्हारे पे पैसे नहीं है तो मैं पढ़ने गई नहीं। तो चल फिर मनाऊंगा सुहागरात। चल ना ना वो तो एसडीएम के बाद मनाऊंगे। एसडीएम के बाद मनाऊंगा, टाइम क्यों खराब कर रहे, पैसों का इंतजाम कर लेने दे। रहन दो तुम ब्याज पे ना लो। आ ब्याज ब्याज पे बाद में चक्कर लगाया भैंसों का नहीं। कहीं चक्कर आए वहां तो बताता तो, चक्कर है चक्कर लेगा कहीं से काम चल जाएगा। हाँ कितने? 1250 हो बोरी ढाला। एक काम कर खड़ भी ले अम्मा लाए और दे दे पैसे तो 1000 रुपये। खड़ भी तो नहीं आए ले 100 रुपये फालतू, एक बंडल भी ले आइए फिर। ठीक है विकास का टेलीफोन का विकास का विकास पियो हम प्रधान हो। देखिए जी एसडीएम की बुक हुई।
एक चीज और ला हमें तेरे लियो। क्या लगा कोई पढ़ना मोटा मोटा दिख रहा जी भी तो इसका फायदा होगा पढ़ने में ठीक है। 100 रुपए बचे तो बाबा उसका चतमा ला मंडल लगा ठीक है। आज तो पढ़ाई चालू कर दे फिर मुझे स्वागत भी बनानी बैठ जाओ ठीक चाची हो गए ना ना इनके दौरे ही नहीं खत्म होते हर वक्त। अजी उधर कुछ हो जाओ ना लो मैं तो ऊपर जा रहा छोटू आ जाओ। एक काम करो तुम पढ़ लो मैं दोहरा कर तू जल्दी जल्दी पढ़ ले मुझे सुहाग रात मनानी। कहाँ जा रही है बारिश में मटकती हुई? आज एग्जाम है मेरा एसडीएम का वो देने जा रही हूँ। वो एडमिट कार्ड रख लिया? हाँ रख लिया। पेन रख लिया? हाँ रख लिया। अब पेड सब कुछ रख लिया अल्लाह के वास्ते भारी इज्जत भी रख ली है ठीक है। अब कहाँ पे जा रही हूँ बताओ? मैं खड़े बाहर साइकिल पे। अच्छा चल जी तेरे चली जा कोई बात नहीं घबराइए ना ठीक है। अच्छा मैं भी कहूँगा सुबह किसी को उठाएगा जाकर हम भी इस टाइम के पापा बनाएंगे क्या सारे दुश्मनों को मारने। ओ बैठे गोल आई खेल कर रहा हूँ वे तारी बाप भी एटीएम मंडली मिठाई खाओ अरे मेरी बहू एच डी मर गई। अच्छा 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 खुशी की बात हो वही तो भक्कू भी जो है पावर मार दिया। कौन मैं? एक काम कर लाओ डिब्बा मुझे दे मैं अपनी आईडी और यूडीएम बांट दूंगा। अरे चलो चेक कर दिया सबको रात दादा करो मैं तो शक्कू तो बैठ कर घर। हाँ ठीक है फिर मैं बाहर आऊँ अपने आईडी ठीक है ठीक है। हाँ भाई ईशा के बोले भाई मिठाई का डब्बा दे सबको। भाई
जख्म कर दिए पहले हाथ तो लेते टांग भी हूँ। अरे यही कहा करते बड़े भाई, तू भी विकलांग ये भी विकलांग। विकलांग ना कहिए सारी बात ठीक नहीं तो मैं चल रहा। अच्छा कोई नहीं बड़े भाई, अरे मेरी बात सुन लो भाई। सुना वो बहादराबाद में जो है ना पूरी की पूरी फैक्ट्री बहेगी पानी में ड्रम की। अच्छा जी, बहुत नुकसान है भाई। रेपट इतने मारूंगा। ठीक हो? बढ़िया जी। वो मुँह कर लो। क्या बात, किस खुशी में खुआ रहा रसगुल्ले? लोंडे की बहू एसडीएम बन गई मारे वाले। बस बहुत खुशी की बात है भाई, माशाल्लाह। लो जी बट तेरे हाथ तो नहीं खाता, मैं अपने हाथ लूँ। मैं मुझे खुआ तो ला खा। तो भाई नेवली बहू की पोस्टिंग कहाँ हुई? बहू की पोस्टिंग लखनऊ में हुई जी। अच्छा। और कोई भी काम हो तो बता दो, अगर मान लो छोटा मोटा काम था। प्रधानमंत्री एसडीएम बड़ी बहू चला को बांटने। अरे भाई मेरा था एक काम। क्या था बताओ? वो कोटा खा जा रहा था। तो कोटा लेगा तो कोई रोका का हमें बताइए। अरे कोटा वैसे नहीं जा रहा, दुकान जा रही है। अरे दुकान तो कौन था, हमें नहीं मिल रही। डरती पर रहने डरती पर फेरी कर ले अपना 500-400 रुपए कुमारा। ये लेंगे टोटे, ये बांटेंगे, यूं करा करेगा सारा कट्टे तो बाहर ज्यादा जीत करेगा। अरे छाल तो बोल नहीं बोलो, छल नहीं बोलो, बहत्तर छह कर देते लंगड़े पद्दू को। चल कोई नहीं, अरे मैं कमियां काट रहा हूं। मैं तो यो सोच रहा है कि वो एटीएम किकर बन गई यार। यो ही तो बर्दाश्त हो रहा है यार, ना क्या कर रहा। अच्छा एक बात बता बड़े भाई। हाँ। तूने उस गरीब के हाथ से क्यों नहीं खाया रसगुल्ला? यार कहां से खा लेता मैं, तुझे पता नहीं होला 24 घंटे उस सुअर की उंगलियां यूं रोना। उसके हाथ से खट्टा का मैं रसगुल्ला, मेरे से यो ही नहीं बर्दाश्त हो रहा उसकी बहू एटीएम बन गई। या अल्लाह मैंने फजर में उठ उठ के इतनी दुआएं मांगी उसकी बहू एसडीएम ना बनी, एसडीएम ना बने, तूने बनवा दी। या अल्लाह उसकी बहू को रिश्वत लेने में फंसवा दे। आमीन। या अल्लाह हम गेस्ट तेजाब की जलन तो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन उसकी ये तरक्की बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हटवा दे। एशा, एशा। वो किसी के साथ लग जाए, भाग जाए। या अल्लाह की बहू को मेरी बहू बना दे। चलो भाई ठीक है, दुआ करवा दी, नींद आ रही भाई मुझे, मैं चलो। अच्छा भाई घसीटे तेरी तो सारी दुआ खेल की होगी यूँ कर कर के। तुम तो जाहिल हो रहे। जाहिल की क्या बात, यो फरश ना तोड़ दिए तेरे बाप बनिए। जेल लग रही आज तो। अरे भाई साहब तू कौन है? मैं बॉडीगार्ड उनका। अच्छा अच्छा, तो भाई बॉडीगार्ड है ना तो गेट पर आया है यहाँ, समझ गया ना, इस तरह करना चाहिए। अरे तुम कौन हो? मैं तेरी मैडम का लोग हूँ। लोग मतलब? पति पति, हैंड बैंड, हस्बैंड। हाँ मेरी बात सुन ले, एक बात और बताऊँ, आज मेरी स्वागरात भी। तो कम बोल, तेरे सब बताऊंगे, हम सारी बात बता देंगे तू। तुम्हारा नौकर है, यहाँ खड़ा रही यार, कल तक हाथ भी लगा। वैसे एक बात बोल लूँ, लग रहा है मुझे आप भी नौकर ही। हाय हम अपनी बहू के नौकर रखा, तू मेरा नौकर हो, कल तक हाथ ले आइए, मेरा मुँह उतला हो बेचेरी। आज मैं छोड़ूंगा तुझे दम दम दम। क्या कर रहा? सुहाग रात निकाल। आज यार मैं थक रही हूँ, ऐसी बात मत करो मेरे से, पैर दबा दो मेरे। हम पैर तो दबा दो लेकिन आज होगी स्वागत। चलिए मनाओगे? यार मेरे साथ ऐसी बातें मत करो। तू मना रही? नहीं मना रही, मुझे साफ साफ यूं बता दे। यार सो जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो।
आसमान भी कितना खूबसूरत हो, आज तक नजर ठाक देखा ही था। अरे आसमान तो जुआ, तू है चश्मा डाल ले यो रंगी ना। कहाँ तू? मैं तो यहीं सी, ये मेहनता क्यों रीख रही? इन्हें चोकर लगा दो। चोकर? हाँ। रखा नहीं, ले आ ला भी पैसे। इतने मेरा पता है पैसे ले होगा, इतने तो तेरी बहू वो बनी कैसे दिया ना। हाँ ये तो है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए। नहीं ना जला का उस पता ही है, मेरे लिए सिगरेट भी लाइए। सिगरेट के डब्बे? हाँ ठीक है, चार स्क्वायर के ले आऊँ? नहीं गोल्ड फ्लेक। ठीक है क्लासिक आ रही है, 17 रुपये एक बार शुरू करूँगा अभी। जा रोक रहा है क्यों? बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकते तुम। बाबा वो मेरी जिस तरह मिलना है नहीं मना कर रखी मैम ने साथ। क्यों बात करो फोन से? फोन से क्यों हटिए करे किंग को जा रहा बना बना कर। हाँ जी, ये जी एसडीएम साहब, जो बॉडीगार्ड खड़ा है जो तेरा लोग है। मैं तुम क्यों आए हैं? मुझे पापा ने भेजा 1000 रुपए दे दे चोकर लाना। तुम यहाँ से घर जाओ ठीक है, ये फालतू के काम घर पे भी तो हो सकते हैं। यहाँ ले तुम 1000 रुपए मांगने, जाओ यहाँ से। देरी है? नहीं अभी नहीं देरी, मैं घर दे दूंगी जाके, जाओ। भाण की टोपी 150 पा रही। क्या तू हर बार यही करो? तेरे मैडम से मिलना कल भी तूने। चुप मैडम, अर्जेंट मीटिंग में 4 घंटे बाद आना। चलो लोग तो ज्यादा अर्जेंट कोई चीज नहीं हो सकती दुनिया में, समझगा नहीं? रुक मैं भी नहीं बुलाऊंगा। कहाँ से आ गया? अरे यार पता नहीं क्या करने आ जाता है बार बार यहाँ पे। यार इसको दफा करो ना मैडम, तलाक दो ना। कहाँ गवार के साथ पड़े यार मैडम। हाँ पेंडा तो छुड़वाना पड़ेगा इससे मुझे। तुम तलाक के पेपर तैयार करवाओ ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। बार बार पति बीच में पति आ जाता है यार। मतलब दो लोग भी तू करोगी और तलाक भी तू देगी, इतनी बड़ी एसडीएम नहीं तू बनगी। मैं चाहे 2 लोग रखूं चाहे 4 लोग रखूं, तुम्हारा मतलब क्या है मेरे से? अपना लेवल देखो, मेरा लेवल देखो। मैं एसडीएम, तुम फटीचर गवार मजदूर आदमी ठीक है। 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास, इस पे 24 घंटे के अंदर ना साइन हो जाने चाहिए। लो पकड़ो। ए! क्या है? 24 घंटे तो भी मेरी बहू है ना। हाँ बाबा 24 घंटे ही बजामा तेरा ही बनामा तेरा एसडीएम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोगों को लाइक जरूर करना है, और 4 लोगों को वीडियो को शेयर करना है, और कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है, तो कमेंट में हैप्पी बर्थडे भी बोलना यार, अपने भाई को विश करो। कमेंट वाला रिकॉर्ड तोड़ दो, मतलब आज हैप्पी बर्थडे इतना भर दो कि रिकॉर्ड टूट जाए, आज तक कितनी कमेंट किसी वीडियो पे ना हो। तो देखते हैं भाई ये करते हो या नहीं करते आप लोग, अगर थोड़ा सा भी प्यार है तो हैप्पी बर्थडे बोलने में कुछ नहीं जाता मेरी जान। तो लव यू ऑल, देखते रहो वीडियो, ऐसे ही शेयर करते रहो और मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हमारी यही दुआ रहती है आपके साथ। लव यू ऑल और अल्लाह हाफिज़। जय हिंद जय भारत।